नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 14 पेन और 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 है तथा 17 पेन और 14 पेंसिलों का कुल मूल्य 164 है, तीन पेनों का मूल्य कितना है? ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्न में मान लेते हैं, माना कि एक पेन का मूल्य बराबर x, एक पेंसिल का मूल्य बराबर y। ठीक है, हमने एक पेन का मूल्य मान लिया और एक पेंसिल का मूल्य मान लिया। अब उसने कहा था 14 पेन, क्या हो जाएगी इसकी कीमत? 14 x। 17 पेंसिल, इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 17 y। इसका कुल मूल्य कितना है? 146। दूसरी कंडीशन है कि 17 पेन तो 17 x और 14 पेंसिल तो 14 y बराबर 164। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। जब इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 31 x आ जाएगा, 31 y आ जाएगा और यहाँ 6 4 10 6 4 10 11 2 1 3। 31 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर एक दे देंगे। अब यहाँ इसको एक बार माइनस कर लेते हैं। क्या था इक्वेशन? 14 x प्लस 17 y बराबर 146 और 17 x प्लस 14 y बराबर 164। एक बार माइनस कर लेते हैं तो माइनस का 3x प्लस का 3y बराबर माइनस का 18 बचेगा। माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 6। इक्वेशन नंबर दो दे देंगे। अब इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को हम जोड़ देंगे, यानी इक्वेशन एक प्लस इक्वेशन दो, तो x प्लस वाई बराबर है 10 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6। जोड़ दिया, y यहाँ कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू क्या निकल के जाएगी? 8। अब हमें बताना है कि तीन पेनों का मूल्य कितना है। तीन पेनों का मूल्य 3x होगा तो 3 गुणे 8 करेंगे, 8 3 24 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो तीन पेनों का मूल्य निकल के कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 24 रुपये। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।